अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसनैन भाई बहुत बहुत मेहरबानी आप यहाँ पे आए तशरीफ़ लेके। असल में ये आज जीत जो है तो पाकिस्तान की जीत है, हमारे इमरान खान साहब की जीत है। आज अगर आप ये जज्बा देखती हैं ना तो ये एक पैगाम है, एक मैसेज है उन PDM के लिए भी और जो लाए हैं उनको, उनके लिए भी एक मैसेज है। आज मीना खान अफरीदी, किसी के सोच ख्याल में भी नहीं था कि मीना खान अफरीदी इतनी भारी अक्सरियत से यहाँ पर जीतेगा और स्वीप करेगा। मैं आज ये आपके चैनल की विसादत से ये कहना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ऑफिस भी भरा हुआ है और वक्तन वक्तन टोलियों की शिकल में यहाँ जलसे जलूस आने शुरू हो गए, आप भी देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब खुद बाहर होते तो इंशाल्लाह रहमान, मैं अभी से कहता हूँ कि वो बिल्कुल अपना वज़ीर आज़म वो खुद जेल से निकलते, लेकिन काश होते यहाँ पे। अभी भी अगर जीत गए तो वो वज़ीर आज़म बन के निकलेंगे, वो तो नहीं जी, देखो जी वो सदर पाकिस्तान आएंगे इंशाल्लाह, वो 25 करोड़ आवाम के दिलों पे राज करने वाला है और इस 25 करोड़ आवाम के अलावा वो जो है तो वर्ल्ड में राज करने वाले दिलों पे। अगर वो इंशाल्लाह हम कल ये सुर्खियाँ भी देखेंगे कि वज़ीर आज़म अडियाला से निकल के आया है बाहर, और मैं तो यही कहना चाहता हूँ अल्लाह ताला से, यही मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह सुबह हो और हमारा खान हमारे दरमियान खड़ा हो। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इमरान खान अडियाला जेल से वजीर आजम बन के आएंगे। अच्छा मुझे ये बता दें, क्या समझते हैं, क्या जोश जज्बा है? बड़ी कोशिश की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को दबा दें, इन्हें रोक लें, लेकिन आज फिर भी यहाँ एक बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं जश्न मनाने के लिए, क्या कहेंगे आप? हसनैन भाई बात यह है, जोश शऊर जज्बा हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब ने हमारी यूथ के दिलों में, इवन यहाँ तक कि हमारी बच्चियों के दिलों में भी वही जज्बा है, ठीक है ना जी। इन्होंने जितना भी जोर किया है और दबाया है PTI वर्कर को, इन्होंने बहुत दबाया है, किसको जेलों में मारपीट की है, और जो लोटे थे, खासकर लोटों की इसलिए बात कर रहा हूँ कि उनको इतना मारपीट के डंडे के जोर पर उनको भगाया है कि जी आप पार्टी चेंज करें वरना नंगा करते हैं, ठीक है। परवेज सटक साहब की इधर है वजीर आला बनना था? ओ नहीं जी नहीं, उसकी तो देखें जी, मैं तो देखो जी ये बात करना चाहता हूँ, उसकी तो हमारे मरवत साहब की बात है, गन्ने तोड़ने की सलाहियत नहीं है तो वो इलेक्शन क्या जीतेगा, ठीक है। PTI माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह राज भी करेगी इंशाल्लाह, और आज जो आप ये समा देख रहे हैं, खुशी का समा देख रहे हैं, ये बड़ी माओं की दुआएं, बहनों की दुआएं और हमारे बुजुर्गों की दुआएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना भी दबाया गया ये ज़ियात होते रहे, जितना भी मारा पीटा गया, लेकिन नहीं, इन्होंने खान के साथ वफा की है, अपने मुल्क के साथ वफा की है। आज अगर मीना खान और आसिफ खान जीता है यहाँ NA 32 की सीट और PK 83 की सीट, तो आप यकीन माने ये जज्बा जनून, मैं कहता हूँ कि जितनी भी इसको देखा जाए कम है, और आपके चैनल के विसादत से यही कहना चाहता हूँ, कैदी को लेकर आ रहे हैं बाहर इंशाल्लाह जी बहुत जल्द इंशाल्लाह। कैदी तो हमारी जान है, कैदी हमारी आन है, कैदी हमारी जान है, आन है, शान है, और इस मुल्क का कप्तान है वो, उसको तो लाजमी लाएंगे हम इंशाल्लाह, इस तरह नहीं है। आज ये जितने भी वर्कर्स निकले हैं ये दिल से खड़े हैं यहाँ पे आज जो। अच्छा दूसरी बात ये कहना, तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार इमरान, 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 तेरे जानिसार लगो रहेगा लगो रहेगा जैसा। लेकिन ये जोश जज्बा है यहाँ जैसा लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं, असल में आज हमने ऐसे ऐसे पोलिंग स्टेशन देखे, ऐसे ऐसे कैंप्स देखे, अपने पोलिंग जहां आप थे आप वोट कास्ट किया वहां क्या रिजल्ट आया? यकीन माने मेरा 505 का पोलिंग था और उसमें हैवी लीड 546 पे लीड हमने ली है मोहल्ला खुदादाद का, मेरे पास मोबाइल में फोटो भी है उसका, और ऐसी लीड हमने ऐसी शर्मनाक शिकस्त दी है। बहुत शुक्रिया चाचा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम चाचा जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या जोश जज्बा है, वोट कास्ट करके हैं अब तो जीत का जश्न मनाया जा रहा है। बेशक ये नवाज शरीफ के मुंह पे एक थप्पड़ है कि उनको पता लगे कि पठान लोग कितने बेवकूफ है, ये उनके लिए थप्पड़ है मुँह पे, जो कहते थे पठान हाँ बेवकूफ है, ये बेवकूफ नहीं है, समझ आई है। और PTI जिंदाबाद, कैदी को लेकर आ रहे हैं जो इंशाल्लाह, ना वो बागी ना कैदी,
देखिए जी ये जोश जज्बा है यहाँ पेशावर में ईद का जश्न मनाया जा रहा है, लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं, एक बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इमरान खान के लिए नारेबाजी की जा रही है, एक बड़ी तादाद में यहाँ लोग इकट्ठे हैं। इनका कहना है कि आज की जीत इमरान खान की जीत है, आज की जीत वजीर आजम इमरान खान की जीत है, और इनका कहना है कि इमरान खान जल्द अडयाला जेल से वजीर आजम बन के बाहर निकलेंगे। आप ये देख सकते हैं एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे हैं, एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं, खवातीन भी मौजूद हैं। पेशावर में आज खवातीन ने एक अहम रोल अदा किया है, खवातीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज सबसे पहले तो जीत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। सब क्या कहना चाहेंगे, बड़ी कोशिश की गई कि इन्हें जीतने नहीं देना, ये इमरान खान के लोगों को जीतने नहीं देना, लेकिन यहाँ तो जश्न मनाया जा रहा है जीत का, क्या कहेंगे आप? बेटे हमारी शहादतें भी हुई हैं, हमें ट्रीट भी मिले, मेरे पास वाइस मौजूद हैं, मैंने कोई परवाह नहीं की, मेरे बच्चे यहाँ भी आई हैं, मेरे बच्चियों ने वोट डाल के निकली हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह पुरमन तरीके से आज इलेक्शन हुआ है साफ और शफाक, और इंशाल्लाह जीत पीटीआई की होगी और इमरान खान की होगी और पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान की जीत आज लोगों ने साबित कर दिया है। देखें जी ये मनाजर है, आप ये मनाजर देखें, यहाँ जश्न मनाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर के बाहर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर के बाहर एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। पेशावर में जश्न मनाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने शुरू कर दिया है, और उनका कहना है आज की जीत इमरान खान की जीत है, आज की जीत उस इंसान की जीत है जो आज अडयाला जेल में कैद है। आप ये देख सकते हैं वो जवान 804 गाजी, उसके लिए हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। अभी खुदा की कसम मुझे कोई कह दे कंटेनर के नीचे में लेटने के लिए तैयार हूँ, इस एज में मुझे इतना जोश है, मेरी शहादतें हो गई, सर को पता है मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। आज लोगों ने साबित कर दिया कि देखो, आज लोगों ने वाकई साबित कर दिया कि पेशावर हैदर पख्तूनख्वा इमरान खान के साथ करे। आप ये मनाजर देख सकते हैं, हैदर पख्तूनख्वा के मनाजर हैं, जीत का जश्न शुरू हो चुका है, लोग एक बड़ी तादाद में पहुंचना शुरू हो चुके हैं, ढोल के साथ यहाँ डांस किया जा रहा है। ये मनाजर हैं हैदर पख्तूनख्वा के, हैदर पख्तूनख्वा में जीत का जश्न शुरू हो चुका है, हैदर पख्तूनख्वा में आप देख सकते हैं एक बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं। आज हैदर पख्तूनख्वा के लोगों ने इमरान खान से वफादारी निभा दी है, आज हैदर पख्तूनख्वा के लोगों ने इमरान खान का साथ निभा दिया है। ये मनाजर आप देख सकते हैं, ये है मनाजर हैदर पख्तूनख्वा के, हैदर पख्तूनख्वा में आज जिस तरह यहाँ नौजवान बाहर निकल आए हैं, जीत का जश्न मनाया जा रहा है, हैदर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत हो चुकी है, मुल्क भर में जीत की इत्तला मिल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे आगे है इस टाइम। आप ये मनाजर देख सकते हैं, ये मनाजर जो हैं ये एक उस इंसान के वजीर आजम बनने की खुशी के मनाजर हैं जो इस टाइम अडयाला जेल में कैदी है, जिसका नंबर 804 है। ये मनाजर आप देख सकते हैं, ये मनाजर हैं हैदर पख्तूनख्वा के, हैदर पख्तूनख्वा में जीत का जश्न मनाया जा रहा है, हैदर पख्तूनख्वा में आप देखिए उस तरफ पुलिस की गाड़ियां हैं, लेकिन हैदर पख्तूनख्वा के लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, हैदर पख्तूनख्वा के लोग बाहर निकल आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम थामे, और ये मनाजर आप देख सकते हैं, ये मनाजर हैं इस टाइम हैदर पख्तूनख्वा के, आप देख सकते हैं एक बड़ी तादाद में यहाँ नौजवान इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। आज हैदर पख्तूनख्वा में इमरान खान की जीत का जश्न मनाया जा रहा है, ये मनाजर आप देख सकते हैं, ये मनाजर हैं हैदर पख्तूनख्वा के, यहाँ लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं, आप ये मनाजर देख सकते हैं, ये हैदर पख्तूनख्वा में इमरान खान की जीत का जश्न शुरू हो चुका है, और आप वहाँ पीछे देख सकते हैं पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ से जा रही हैं और लोग जीत का जश्न मना रहे हैं। आज हैदर पख्तूनख्वा जीत चुका है, आज हैदर पख्तूनख्वा के गैरतमंद शहरी, आज हैदर पख्तूनख्वा के गैरतमंद पठान आज जीत चुके हैं, आज यहां से इमरान खान जीत चुका है। ये मनाजर आप देख सकते हैं, ये हैदर पख्तूनख्वा के मनाजर हैं,
यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं एक बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। ये मनाजर आप देख सकते हैं, ये मनाजर है हैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ये मनाजर है इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा। लोग एक बड़ी तादाद में इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं और यहाँ जश्न मनाया जा रहा है, इमरान खान की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। मनाजर आप देख सकते हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा के मनाजर है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं सैकड़ों हजारों की तादाद में यहाँ लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं और आज इमरान खान की यहाँ जो जीत हुई है वो एक बड़े मार्जिन से जीत हुई है। यहाँ आप ये मनाजर देख सकते हैं, पेशावर में जीत का जश्न मनाना तहरीके इंसाफ के कारकुनान शुरू हो गए हैं। ये मनाजर आप देख सकते हैं, यहाँ काफले पहुंच रहे हैं, हर इलाके से काफले पहुंच रहे हैं और इमरान खान की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ये खैबर पख्तूनख्वा है, आज पठानों ने इमरान खान के साथ वफादारी का सबूत दे दिया, आज पठानों ने जीत कर दिखा दिया। आप देख सकते हैं एक बड़ी तादाद में यहाँ नौजवान इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं और आज यहाँ इमरान खान की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। आगे जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे उनके क्या जज्बात हैं, कितनी लीड के साथ जीते हैं। ये मनाजर है इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा के, ये नारे लगाए जा रहे हैं। आगे जाते हैं, लोगों से बात भी करते हैं, लोगों से बात भी करते हैं, पूछते हैं। हाँ, सारे मुल्क में क्लीन स्वीप करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। रिहा करो, रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो के नारे लगाए जा रहे हैं। ये मनाजर आप देख सकते हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा के मनाजर है। खैबर पख्तूनख्वा में आज एक बड़ी तादाद में लोग जश्न मना रहे हैं। ये मनाजर है इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा के, खैबर पख्तूनख्वा छा गया है। ये मनाजर आप देख सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मनाजर है। यहाँ नौजवान देख सकते हैं, नौजवानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है और आप देख सकते हैं आज इमरान खान की जीत का यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। बाकी लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि पहले भी इमरान खान था, आज भी इमरान खान है, कल भी इमरान खान इंशाल्लाह। इन लोगों हम बताना चाहते हैं कि हम पुरमन लोग है, पुरमन और जमहूरी तरीके से हम वोट भी डाल चुके हैं और ये हम सबको कह रहे, जो भी जिम्मेदार बंदे हैं सबको कह रहे कि इमरान को रिहा करे, वो भी कसूर है, वो गद्दार नहीं है मुल्क के साथ, वो एक अच्छा लीडर है, वो एक नाडर लीडर है, सबको बताने वाले लीडर है। हम कहते हैं कोई इमरान खान को रिहा करे, जिस तरीके से इमरान खान को लाया गया तो उस तरीके से हम कहते हैं कि वो दोबारा वजीर आजम बनना चाहते हैं। इमरान खान, इमरान खान की जीत का जश्न मनाया, हमसे निशान लिया, लेकिन हमारा इमरान नहीं बनता। हमारा अभी सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इमरान खान को अभी क्या भी रिहा करे। पख्तून ने आज साबित कर दिया कि वो सब बिना खान और इमरान खान के उम्मीदवारों को वोट दे। आप देख भी सकते हैं कि हमने पठान ने अपना वादा निभा दिया, इमरान खान ने अपना वादा निभा दिया है। ये मनाजर है पख्तून के। अच्छा, मुझे ये बताएं, इमरान खान जो इस वक्त अडियाला जेल में कैदी है, एक कैदी को बाहर लेकर आ रहे हैं, इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं ना, अब आज इंशाल्लाह कल इसको इंशाल्लाह हम एक जेल से निकालेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये मनाजर है इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा के, अस्सलाम वालेकुम। हम इमरान खान के जानिसार हैं, इंशाल्लाह उसके लिए एक एक वर्कर अपनी जान की कुर्बानी भी देने के लिए इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह इमरान खान पे हम मार भी देंगे, मार भी देंगे, ये हमारा इमरान खान से वादा है इंशाल्लाह। इमरान खान के लिए मरने के लिए भी तैयार है। ये मनाजर है इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा के। आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ जश्न मनाया जा रहा है।
ये मनाजर आप देखें ये मनाजर है यहाँ हैबर पख्तूनहा के। हैबर पख्तूनहा में इमरान खान की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। हैबर पख्तूनहा में लोग एक बड़ी तादाद में बाहर निकल आए हैं और आज यहाँ इमरान खान की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। एक बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं, आप ये मनाजर देख सकते हैं। ये ढोल बजाए जा रहे हैं, ये मनाजर है इस टाइम खैबर पख्तूनहा। ये मनाजर है इस टाइम हैबर पख्तूनहा के। चावर में लोग एक बड़ी तादाद में इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और थोड़ी ही देर तक यहाँ जश्न भी मनाया जाएगा, इमरान खान की जीत का जश्न मनाया जाएगा। लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहते हैं। बड़ी सख्तियाँ की गई, बड़ी पाबंदियाँ लगाई गई, दफा 144 लगाई गई। इमरान खान को कैद किया गया, पार्टी रहनुमा जितने भी थे उनको कैद किया गया। पब्लिसिटी की इजाज़त नहीं थी, कंपेन की इजाज़त नहीं थी, लेकिन आज फिर भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ पेशावर से जीत चुकी है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से जीत रही है। लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं उनके जज्बात क्या हैं, कहना क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कौन से पोलिंग स्टेशन से आ रहे हैं? जिस रशीदगढ़ी से आ रहा हूँ, वहाँ पे जो एनपी का गढ़ था 2018 में, वहाँ पे समर बिल्लों ने 750 वोटों की लीड ली थी। आज वही पुलिस स्टेशन 350 वोट से वो हार गई है। जो तो दूसरी पुलिस स्टेशन थी नंबर 1, वो भी 325 वोटों से हार गई है। मीना खान अफरीदी ने दोनों पुलिस स्टेशन में उनको बुरी तरह से शिकस्त दी थी। ठीक है, अच्छा क्या कहना चाहते हैं? बड़ी सख्तियाँ, बड़ी पाबंदियाँ, यहाँ पे सब कुछ किया गया, लेकिन आज फिर भी यहाँ ये जश्न मनाने वाले खड़े हैं, क्या कहेंगे? जितनी पॉसिबिलिटी थी उनसे ज्यादा उन लोगों के यहाँ पे सख्ती की, लोगों पे मजालिम डाल दिए। यहाँ पे जो वोट था वो गुस्से का वोट था। सब लोग खान से यहाँ पे जो प्यार करते थे, जो भी आज़ाद उम्मीदवार, हालांकि हमारे पास निशान भी नहीं था, उनके बावजूद भी जो आवाम है, जो वोटर है, वो बढ़ चढ़ कर उन्होंने खान के नाम पे पीटीआई की जो आज़ाद उम्मीदवार है उनको इतना इंशाल्लाह वोट दिए हैं कि जो ये लोग जिस तरह जो प्लानिंग कर रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो भी उनके पास जो कुछ भी वो करेंगे उनको फिर भी नहीं पाएंगे इंशाल्लाह। ये मनाजर आप देख सकते हैं, हैबर पख्तूनहा के मनाजर हैं। हैबर पख्तूनहा में ईद का जश्न मनाया जा रहा है। ये मनाजर आप देख सकते हैं, एक बड़ी तादाद में यहाँ लोग हैबर पख्तूनहा है, इमरान खान की जीत का जश्न। ये देख सकते हैं इमरान खान की जीत का जश्न शुरू हो चुका है। बच्चे, नौजवान, बूढ़े सब इमरान खान की जीत का जश्न मना रहे हैं। ये है हैबर पख्तूनहा। आज हैबर पख्तूनहा में इमरान खान की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ये मनाजर आप देख सकते हैं, ये हैबर पख्तूनहा के मनाजर हैं। आज हैबर पख्तूनहा इमरान खान की जीत का जश्न मना रहा है। आज हैबर पख्तूनहा के लोग छा गए हैं। आज हैबर पख्तूनहा के लोगों ने इमरान खान से वफादारी निभा दी है। ये मनाजर आप देख सकते हैं, ये हैबर पख्तूनहा के मनाजर है। एक बड़ी तादाद में लोगों ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। जहां जहां पाकिस्तान तरीके इंसाफ पोलिंग जीत रही है वहां से लोग यहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये मनाजर आप देख सकते हैं, हैबर पख्तूनहा। ये मनाजर हैं आप देख सकते हैं, हैबर पख्तूनहा के लोगों ने आज साबित कर दिया है कि हैबर पख्तूनहा इमरान खान के साथ खड़ा है। हैबर पख्तूनहा के लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। और
मरियम के पापा चोर हैं, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। ये है हैबर पख्तूनहा, हैबर पख्तूनहा में जीत का जश्न शुरू हो चुका है। हैबर पख्तूनहा में लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं, पूरी तादाद में यहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं और जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ये मनाजर आप देख सकते हैं, ये हैबर पख्तूनहा के मनाजर है। हैबर पख्तूनहा में एक बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं।